हेलो गाइस, देखिए एक और हम लोग थोड़ा समरी कर लेते हैं इसका, ठीक है। ओपन और क्लोज सेट का, हाँ, कि ओपन और क्लोज सेट में आपको कैसे लॉजिकली आपको अच्छे से सब कुछ याद रहेगा, ठीक है। तो कुछ हम एग्जांपल भी आपको दिखाएंगे फाइनली। तो पहले ये देखिए कि जैसे जो हम लोगों का दो अगर ओपन सेट है या फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट है, तो पहले हम ओपन सेट का और क्लोज सेट का एक साथ बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ये है कि अगर आप फाइनाइट यूनियन लेते हैं, समझिए ना, क्या लेते हैं, फाइनाइट यूनियन लीजिए या आप लीजिए फाइनाइट इंटरसेक्शन, ठीक है। फाइनाइट यूनियन या फाइनाइट इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि दो एलिमेंट का लीजिए या तीन एलिमेंट का लीजिए, यूनियन लीजिए या उसका इंटरसेक्शन लीजिए, ठीक है। इन दोनों केस में अगर आप ओपन सेट का फाइनाइट यूनियन लेते हैं, ओपन सेट का, ठीक है, फाइनाइट यूनियन, तो आपको वो क्या मिलेगा, उसका जो रिजल्ट है वो ओपन ही मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप ओपन सेट का फाइनाइट इंटरसेक्शन लेते हैं, तब भी आपको ओपन का ओपन ही मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप क्लोज्ड सेट का लेते हैं फाइनाइट यूनियन, तो वो आपको क्लोज्ड मिलेगा, ठीक है। और अगर आप फाइनाइट इंटरसेक्शन लेते हैं क्लोज सेट का, तो वो भी क्लोज्ड मिलेगा। तो फाइनाइट में कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है, यानी कि दो सेट ले रहे हैं या तीन सेट ले रहे हैं और उसका यूनियन कर रहे हैं, सारा ओपन है, तो ओपन ही आएगा फाइनली जो यूनियन है। इसी तरीके से जो इंटरसेक्शन है वो भी ओपन का ओपन आएगा। इसी तरीके से अगर क्लोज्ड का यूनियन कर रहे हैं, तो क्लोज्ड का यूनियन क्लोज्ड आएगा। इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो क्लोज्ड का इंटरसेक्शन क्लोज्ड आएगा, ठीक है। तो फाइनाइट में कोई दिक्कत नहीं। तो जो प्रॉब्लम होता है वो होता है आर्बिट्रेरी में, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी मैं आपको फिर समझा दे रहा हूँ, हाँ, ठीक है। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं आर्बिट्रेरी यूनियन का, आर्बिट्रेरी यूनियन, ठीक है। आर्बिट्रेरी यूनियन का क्या मतलब होता है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स का निकाला जाए यूनियन, ठीक है, यानी क्या, यूनियन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स, ठीक है, या इनफाइनाइटली मेनी सेट्स, ओके। अगर आप बहुत सारा सेट्स लेते हैं और उसका अगर आप यूनियन निकालते हैं, तो इसमें आपका वो मतलब कि थोड़ा चेंज करेगा, ओपन के लिए भी और क्लोज्ड के लिए भी, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी यूनियन जब आप ओपन का कीजिएगा, याद रखिए, तो ओपन का कीजिएगा तो ये आपको ओपन ही आएगा, ठीक है ना, ओके, आर्बिट्रेरी यूनियन। अच्छा, लेकिन जब आप क्लोज्ड का करेंगे तो ये कुछ जरूरी नहीं है कि ओपन आए, ठीक है। तो क्लोज्ड क्या है, नीड नॉट बी क्लोज्ड, नीड नॉट बी क्लोज्ड, यानी ये क्या होता है, ये आपका ओपन भी हो सकता है, ठीक है। आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट, ये आपका कोई जरूरी नहीं है कि क्लोज होगा, ये आपका ओपन भी हो सकता है, ठीक है। इसको देखिए ऐसे समझिए ना कि मैं समझा रहा हूं कि आर्बिट्रेरी यूनियन जो है हम लोगों का, आर्बिट्रेरी यूनियन, ठीक है, इसको आप सपोज कर सकते हैं, सपोज्ड टू बी यूनिवर्सल, यूनिवर्सल आर, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा जो सेट है वो रियल में रियल सेट है, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि हम काफी सारा सेट्स को यूनाइट कर रहे हैं ना, मतलब जोड़ते जा रहे हैं बहुत सारा सेट को, ठीक है, यूनाइट करते जा रहे हैं बहुत सारा सेट को, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, ये फाइनली देखिए ये बहुत बड़ा सेट बन जाएगा, ठीक है। और ये सेट क्या हो सकता है, ये सेट आपका हो सकता है कि मतलब कि इक्विवेलेंटली समझने के लिए आप समझिए कि ये रियल सेट के जैसा हो जाएगा, काफी बड़ा सेट हो जाएगा, ठीक है। तो जो काफी बड़ा सेट है रियल, तो हम लोग अभी देखेंगे कि जो रियल सेट है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ओपन भी होता है, ठीक है, और क्लोज्ड भी होता है, ठीक है, दोनों होता है, ठीक है। चूंकि इसका जो सबसेट है तो वो भी हम लोग देखेंगे कि इसका बहुत सारा सबसेट ओपन है, बहुत सारा सबसेट इसका क्लोज्ड है। तो अगर आप आर्बिट्रेरी यूनियन, तो यूनियन का मतलब क्या, यूनाइट, और यूनाइट का मतलब क्या कि बहुत बड़ा सेट, तो आप बहुत बड़ा सेट सोचिए, ठीक है। तो ओपन का तो कोई दिक्कत नहीं है, ओपन का ओपन ही, चूंकि जो है बहुत बड़ा जो यूनिवर्सल सेट होता है आर, ठीक है, तो वो ओपन सेट होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको ही करेंगे थोड़ा सा मतलब कि इसका हम लेंगे यूनियन ओपन का तो ले लिए, ठीक है। अगर हम बहुत सारा क्लोज सेट ले लेते हैं, तो बहुत सारा क्लोज सेट भी जब काफी बड़ा हो जाएगा, तो वो फिर कोई जरूरी नहीं है कि वो क्लोज रहे, आप इस लॉजिक से याद रख सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी यूनियन मतलब कि आप बहुत बड़ा समझिए, तो बहुत बड़ा होने पर वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक है, वहां पे वो क्लोज्ड होगा ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरीके से आप देखिए आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, हाँ, नंबर थ्री क्या है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, ठीक है। जो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है,
ठीक है। तो इसको इसका मतलब क्या है कि इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइटली मेनी सीट्स, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइटली मेनी सेट्स, ठीक है। तो ये जो है, तो इसमें ये आपको देखना है कि इसका क्लोज्ड का अगर आप इंटरसेक्शन करेंगे तो वो क्लोज्ड ही रहेगा। क्लोज्ड का क्या रहेगा? क्लोज्ड, ठीक है। तो ओपन का, लेकिन ओपन सेट्स का अगर आप करते हैं तो वो कोई जरूरी नहीं है कि वो क्लोज्ड रहे, वो आपका ओपन रहे, या आपका क्लोज्ड भी हो सकता है। तो नीड नॉट बी ओपन, ठीक है। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं ना कि सेम सेट का कलेक्शन का रिजल्ट सेम आता है, ठीक है, जैसे आप ऊपर में देख रहे हैं। बस आपको थोड़ा सा बस ध्यान रखना है इसमें, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट में आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि ये आपका सेम नहीं रह सकता। और आपको आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स में आपको ध्यान देना है कि ये भी आपका ओपन को जरूरी है नहीं रहेगा। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि जो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है, आप ये समझिए कि आप बहुत सारा सेट को क्या कर रहे हैं, बहुत सारा इनफाइनाइटली सेट का आप कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जब कॉमन निकालते हैं तो क्या होता है, सेट बड़ा नहीं होता है बल्कि छोटा होता जाता है। जैसे देखिए, ठीक है, कुछ सेट लिए उसका हम कॉमन निकाले तो छोटा हो गया और छोटा होता गया, ठीक है। तो अगर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स का अगर आप निकालते हैं इंटरसेक्शन, तो ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि वो लगभग एकदम छोटा हो जाएगा। और अगर ये कहिए कि जीरो है, इधर इन्फिनिटी है, इधर माइनस इन्फिनिटी है, तो बहुत सारा सीट्स को जब हम कॉमन लेते आएंगे तो वो समेटते जाएगा, समेटते जाएगा, तो हो सकता है कि लास्ट में क्या हो जाए, सिंगलटन जीरो बचे। क्या बचे? सिंगलटन जीरो, ठीक है। तो अगर सिंगलटन जीरो बचता है, तो सिंगलटन जीरो यानी एक एलिमेंट का सेट, तो जो एक एलिमेंट का सेट है ये ओपन नहीं होता, ये क्या होता है, ये होता है आपका क्लोज्ड, ठीक है। तो क्लोज को तो ये कन्फर्म कर रहा है कि क्लोज्ड का क्लोज्ड मिलेगा, ठीक है, लेकिन ओपन का भी बहुत सारे केसेस में क्लोज्ड मिल सकता है, हमेशा ओपन मिलेगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इस लॉजिक से आप इस समरी को अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे आप याद रखेंगे तो आपको कंपटीशन में काफी हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा, अब आइए देखिए, हम कुछ फाइनली कुछ एग्जाम्पल और भी आपके माइंड में सेव कर देते हैं ताकि ये आपको हमेशा याद रहे, ठीक है। तो देखिए, हम जो है कुछ सेट्स को लेकर के ये देखना चाहते हैं कि वो सेट का मतलब कि सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट क्या होगा, ठीक है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट क्या होगा, सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट क्या होगा, बाउंड्री पॉइंट क्या होगा, ठीक है, क्या वो सेट ओपन है, क्या वो सेट क्लोज्ड है। तो इस पेज को अगर आप अच्छे से देखेंगे ना तो आपके माइंड में सेव रहेगा कि बहुत सारा ऐसा सेट है जो ओपन भी हो सकता है, क्लोज्ड भी हो सकता है, सिर्फ ओपन हो सकता है, क्लोज नहीं, दोनों हो सकता है, दोनों नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो आइए देखिए, हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले आइए हम लोग चूंकि पढ़ चुके हैं तो इसको हम लोग थोड़ा फास्टली करेंगे सिर्फ रिविजन के लिए, ठीक है। जैसे इम्प्टी सेट, तो जो आपका इम्प्टी सेट है, इम्प्टी सेट के बारे में बताइए आप। इसका जब इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, तो वो भी आपको इम्प्टी ही आता है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये अभी आपका आ गया 5, ओके। इसी तरीके से जब आप इसका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट निकालेंगे, ठीक है, तो चूंकि ये इम्प्टी है तो ये भी इसका इम्प्टी आएगा, ठीक है, नो लिमिट पॉइंट, ओके। आइसोलेटेड पॉइंट भी इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है, बाउंड्री पॉइंट भी इसमें कुछ नहीं होगा। तो अब सवाल है कि क्या ये ओपन सेट है और क्या ये क्लोज सेट है? तो जी हाँ, ये दोनों है। अगर आप देखेंगे तो ये ओपन भी है और ये क्लोज्ड भी है। कैसे? देखिए, ओपन के लिए क्या जरूरी है? ओपन के लिए जरूरी है कि जो एस नॉट है वो एस के बराबर हो। तो एस नॉट भी फाई है, एस भी फाई है। तो इस केस में आपका क्या है, इस केस में आपका एस और एस नॉट ये बराबर है, तो इसलिए ये ओपन हो गया। और क्लोज्ड के लिए क्या शर्त होता है कि जो एस डैश है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, वो सेट का सबसेट होना चाहिए। तो दोनों फाई है तो एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें सही है, इसलिए ये ऐसा सेट है, इम्प्टी सेट, जो ओपन भी है और क्लोज्ड भी है, ठीक है। सेकेंड सेट देखिए, रियल नंबर। रियल नंबर का आप निकाले हुए हैं जो सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट है वो क्या आता है, वो रियल ही आता है। सेट ऑफ लिमिट पॉइंट क्या आता है इसका, रियल ही आता है, ठीक है। आइसोलेटेड पॉइंट इसमें कुछ नहीं होता, बाउंड्री पॉइंट भी सेट ऑफ रियल का नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है। तो यहां पे भी वही बात है कि इसमें दोनों ही खूबी है कि ये ओपन भी है और क्या है आपका क्लोज्ड भी है, ठीक है। क्यों ओपन है? तो फिर से वही बात कि एस और एस नॉट ये बराबर है, और ये इसलिए कि एस डैश सबसेट आ रहा है एस का,
तो हमको जब क्लोज देखना होता है तो हम देखते हैं कि जो सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट है वो सबसेट है कि नहीं है, और जब हमको ओपन देखना होता है तो हम ये देखते हैं कि जो इंटीरियर पॉइंट का सेट है वो सेट के इक्वल है कि नहीं। ठीक है, ये आपका मेन चीज है। अच्छा, अब देखिए रेशनल और इरेशनल के केस में, चूंकि जो रेशनल का होता है वही इरेशनल का होता है, ठीक है, तो दोनों ही केस में जो सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट है वो आपको फाइव मिलता है। ठीक है, अच्छा, जो कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट है वो आपको आर मिलता है, ये हम लोग देख चुके हैं पीछे का वीडियो में, जाके आप भी डिटेल में देखिए। अगर मेरा वीडियो पीछे का नहीं देखे तो पहले इसको डिटेल में देख लीजिए, तब आपको फिर ये मतलब कि इस तरीके से फास्ट करने में मजा आएगा। ठीक है, आइसोलेटेड पॉइंट भी इसमें नहीं होता, चाहे रेशनल की बात करें क्यू की या इरेशनल क्यू डैश की। ठीक है, अच्छा, बाउंड्री पॉइंट भी इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप देखिए कि क्या ये ओपन है, तो आप देखेंगे कि ये ओपन नहीं है, दिस इज नॉट ओपन सेट, ये ओपन नहीं है। क्यों ओपन नहीं है? इसलिए ओपन नहीं है कि ओपन के लिए जरूरी है कि इस नॉट क्या हो, सेट के इक्वल हो। सेट तो आपका रेशनल है और इस नॉट फाई आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या है, आपका जो एस और एस नॉट है ना वो इक्वल नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से क्या ये सेट क्लोज्ड है, तो आप देखिएगा के क्लोज्ड भी ये नहीं है। क्यों नहीं है क्लोज्ड? ठीक है, क्लोज्ड क्यों नहीं है? इसलिए कि जो एस डैश है मेरा वो आर है, बड़ा है। एस डैश मेरा क्या है? आर। और सेट मेरा क्या है? रेशनल या इरेशनल, यानी वो छोटा है, तो इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, तो काफी सिंपल चीज है। और आपसे अगर कोई पूछे कि राइट ए एग्जाम्पल ऑफ सेट विच इज नॉट ओपन नॉट क्लोज्ड, डेफिनेटली आंसर इज रेशनल सेट और इरेशनल सेट। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि राइट ए एग्जाम्पल ऑफ सेट विच इज बोथ ओपन एज वेल एज क्लोज्ड, डेफिनेटली रियल नंबर सेट या एम्प्टी सेट। ठीक है, अच्छा, फिर देखिए, अब आपके पास इस तरह से है कि आपका एक नेचुरल नंबर सेट या इंटीजर का सेट को देखिए। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको भी किया हुआ है। इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट है वो आपका फाइव आता है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट है वो भी आपका फाई आता है। ओके, अच्छा, इसमें सारे ही बाउंड्री पॉइंट होते हैं, चाहे नेचुरल नेचुरल की बात कीजिए या इंटीजर की बात कीजिए। ठीक है, सारे ही आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं। क्लियर है? अच्छा, बाउंड्री पॉइंट इसमें भी नहीं होता, इसलिए कि इसका ये बाउंडेड नहीं है। ठीक है, अच्छा, क्या ये ओपन है? तो अब आप देखें तो जाहिर सी बात है कि ये ओपन नहीं है। क्यों ओपन नहीं है? इसलिए कि जो इसका एस नॉट है वो फाई है और सेट जो है वो नेचुरल है या इंटीजर है। तो इसका भी आंसर वही हो गया कि एस नॉट जो है वो एस के इक्वल नहीं है। ध्यान रखिएगा, एस नॉट क्या है? देखिए, ये एस नॉट है, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट, इसको मैंने एस नॉट से डिनोट किया है। और जो मेरे सेट्स हैं ऊपर में, सारे सेट्स जो मैंने लिए हैं उसको मैंने एस से डिनोट किया है। ठीक है, और जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट है उसको एस डैश से डिनोट किया जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये सारा जो सिंबल्स वगैरह है इस पे भी आपका ध्यान रहना चाहिए। एग्जाम में कई बार सिंबल देख करके भी आपको सिंबोलिक टाइप से आपको क्वेश्चन करता है। ठीक है, अच्छा, अभी इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या नेचुरल नंबर मेरा क्लोज सेट है? तो डेफिनेटली आप देखिएगा कि ये क्लोज सेट है। क्यों? इसलिए कि जो आपका एस डैश है ना वो फाई आया है, और फाई जो है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है। तो इस टाइप से जो एस डैश है वो सबसेट हो जाएगा एस का। ठीक है, तो आपको कोई कहे कि राइट ए एग्जाम्पल ऑफ सेट विच इज क्लोज्ड बट नॉट ओपन, डेफिनेटली इट इज नेचुरल नंबर और इंटीजर्स। क्लियर? ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद है हमारा माइनस, मैंने क्लोज्ड ओपन इंटरवल लिया हुआ है, और इस तरह के सारे इंटरवल मैंने पीछे वीडियोस में डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो ये देखिए, इसका जो सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट होता है वो क्या होता है? वो हमेशा ओपन इंटरवल में होता है। जो क्लोज्ड जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट है वो हमेशा क्लोज्ड इंटरवल में होता है, आप जानते हैं, याद कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आइसोलेटेड पॉइंट इसके पास नहीं है। ओके, चूंकि ये रियल नंबर का सबसेट है। इसके पास बाउंड्री पॉइंट, जी हाँ, बाउंड्री पॉइंट इसके पास है, क्योंकि ये बाउंडेड है। ये बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड एबव भी है। तो बाउंडेड बिलो है -1 और बाउंडेड एबव है 3। ठीक है, तो ये इसका बाउंड्री पॉइंट हो गया। ओके, अच्छा, अब क्या कि ये ओपन सेट है? तो आप देखेंगे कि एस नॉट और एस इक्वल नहीं है, तो ये ओपन सेट नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल, आप देख रहे होंगे,
कंक्लूड करके, ठीक है, क्या कि आपका एस नॉट और एस जो है वो इक्वल नहीं है, क्लियर, क्योंकि एस नॉट में सिर्फ ओपन इंटरवल है और माइनस वन इंक्लूड नहीं है, जबकि सेट में तो माइनस वन पे क्लोज्ड है, यानी माइनस वन भी इंक्लूड है। अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे कि क्या ये क्लोज्ड है, तो आपको नजर आएगा कि नहीं, ये क्लोज्ड भी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? इसलिए कि जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट है ना, वो ज्यादा हो गया, बड़ा हो गया है, ठीक है। अब देखिए सेट ऑफ लिमिट पॉइंट क्या आ गया है, दिस वन, माइनस वन भी है, थ्री भी है, जबकि जो सेट है उसके पास थ्री नहीं है, ओके, थ्री पे ओपन है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका एस डैश है वो बड़ा हो गया एस से, यानी एस डैश मेरा इसमें कॉन्टेन नहीं करता, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इस इंटरवल की बात कीजिए, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ये है आपका सेट ऑफ वन बाई एन, जहां एन आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है, यानी इसमें है वन बाई वन, वन बाई टू, वन बाई थ्री, वन बाई फोर, इस तरह से ये क्या होता है, डिक्रीज होता जा रहा है, और इसका अपर बाउंड वन है, ये भी आप देख रहे हैं, क्लियर है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए कि यहां पे हम ये देख रहे हैं कि यहां पे एक एलिमेंट आपको जीरो भी दे रखा है, ठीक है, जीरो के साथ भी ये क्या है, यूनाइट है, यानी इसमें कॉमन, यानी इस पूरे सेट में एक सेट और भी है, एक सेट और भी है, वो है जीरो, ठीक है, जीरो सिंगलटन सेट, यानी जीरो इसमें कॉन्टेन कर रहा है। तो आइए हम लोग कुछ में इसमें देख लेते हैं कि पहले तो इसमें इंटीरियर पॉइंट होगा कि नहीं होगा, तो इंटीरियर पॉइंट इसमें नहीं होगा, ठीक है, इसलिए कि इंटीरियर पॉइंट के लिए आपको उसका नेबरहुड उसी में कॉन्टेन करना चाहिए सारा पॉइंट का, और ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसका जो लिमिट पॉइंट है उसमें सिर्फ एक ही सिंगलटन जीरो मिलेगा आपको, ठीक है, ओके। अच्छा, जो जो इसमें आइसोलेटेड पॉइंट्स हैं, तो आइसोलेटेड पॉइंट तो सारे ही हैं, तो वन, वन बाई टू, वन बाई थ्री, ठीक है, ये सारे जो हैं इसके आइसोलेटेड पॉइंट हैं, ये लिख लीजिएगा। अच्छा, बाउंड्री पॉइंट्स, तो बाउंड्री पॉइंट चूंकि ये बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव भी है, तो इसके सारे ही पॉइंट बाउंड्री पॉइंट कहलाएंगे, ठीक है, यानी वन, वन बाई टू, वन बाई थ्री, ठीक है, ये सारे बाउंड्री पॉइंट हैं। इनफैक्ट इसका जो है बाउंड्री पॉइंट वन जरूर है, ठीक है, और जीरो ये भी इसमें है, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद देखिएगा कि अगर बाउंड्री पॉइंट है ना, तो सिर्फ वन और जीरो ही लिखिएगा, क्योंकि बाकी तो वो बीच का वैल्यू है, तो इसको मत लिखिएगा, वन जीरो, ठीक है, और चूंकि जीरो भी सेट में लिया गया है, तो इसलिए वन जीरो हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, या इसको जीरो वन लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, जीरो और वन, ऐसे पहले लोअर बाउंड और फिर अपर बाउंड, ठीक है। अच्छा, अब देखिए फिर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि क्या जो है ये ओपन सेट है, तो जाहिर सी बात है कि ओपन सेट ये नहीं है, इसलिए कि आपका एस डैश आपका फाई आया है और जो सेट है वो कुछ और है, ठीक है, तो रीजन वही है कि जो एस नॉट है वो एस के इक्वल नहीं है। अच्छा, फिर आप देखिए कि क्या ये क्लोज्ड है, तो क्या एस डैश उस सेट का सबसेट है, तो बिल्कुल है, क्योंकि एस डैश के पास सिर्फ एक एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट जीरो है, और वो जीरो सेट में भी गिवेन है, ठीक है, यानी एस डैश आपका सबसेट है एस का, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए इसके बाद मैंने वही सेट लिया हुआ है जो सेट यहां पे था, बस इसमें जीरो नहीं लिया गया, इसमें जीरो भी ऐड था यूनियन के साथ, इसमें ऐड नहीं है, तो आंसर वही होगा, फाइ तो होगा ही, लिमिट पॉइंट जीरो होगा, क्योंकि लिमिट पॉइंट उस सेट में हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो आइसोलेटेड पॉइंट्स हैं वो भी यही होंगे, वन, वन बाई टू, वन बाई थ्री, सारा आइसोलेटेड पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, बाउंड्री पॉइंट्स, तो बाउंड्री पॉइंट्स इसमें सिर्फ वन है, अपर बाउंड, ठीक है, लोअर बाउंड नहीं है, ओके, क्योंकि जीरो इसमें शामिल नहीं है, तो हम लोग इसका जो बाउंड्री पॉइंट है, ठीक है, वो सिर्फ वन लिखेंगे, ओके, सिर्फ ऊपर का बाउंड्री पॉइंट है, नीचे का बाउंड्री पॉइंट इसका नहीं है। अच्छा, अब देखिए कि क्या ये आपका ओपन है, तो वही रीजन है कि ओपन नहीं है, क्योंकि एस डैश जो है आपका, एस नॉट जो है वो एस के इक्वल में नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद सवाल होता है कि क्या ये आपका क्लोज्ड है, तो अब ये क्लोज्ड भी नहीं रहा ना, नहीं रहा क्लोज्ड, क्यों क्लोज्ड नहीं रहा, इसलिए कि पिछले बार तो जीरो दिया गया था, पिछले बार तो जीरो दिया गया था, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग कि जीरो भी उसी में कॉन्टेन कर रहा था, मतलब कि सेट के साथ मिला हुआ था जीरो, इस बार इसमें जीरो नहीं दिया हुआ है, तो जो हमको एस डैश मिल रहा है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, ये जो एस डैश है, तो ये चूंकि इसमें है ही नहीं, तो इसका सबसेट नहीं होगा, ठीक है, तो दिस इज द सेट विच इज नॉट ओपन, नॉट क्लोज्ड,
तो आप देख रहे हैं ना कि थोड़ा सा चेंज करने से क्या हो जाता है, कितना चेंज हो जाता है। ठीक है, जब हम लोग ये सेट का बात कर रहे थे तो ये क्लोज्ड था, लेकिन ये अब क्लोज्ड नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा पे आपको रियल एनालिसिस का यही टेस्ट है, यही ब्यूटी है, आपको इसका मजा लेना है और बिल्कुल केयरफुल रहना है। ठीक है, इसलिए एग्जाम में इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जो कि मतलब कि वेरिएशन बहुत ज्यादा है। आइए इसको देखते हैं। रियल नंबर ये क्वोशिएंट सेट है, ठीक है, रियल नंबर में नेचुरल नंबर को हटा दीजिए, तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसमें सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट क्या है, यही सेम आ जाता है ना। ठीक है, ये आ जाता है। अच्छा, जबकि इसका जो लिमिट पॉइंट है वो बड़ा होता है। ठीक है, आर ये हम लोगों ने देखा हुआ है, पीछे के वीडियोस में है मेरे, आप जा करके वहां से बिल्कुल कॉन्सेप्ट ले करके काम कीजिए। ठीक है, अच्छा, फिर ये मेरा कोई नहीं आएगा क्योंकि आइसोलेटेड पॉइंट इसमें नहीं है, रियल सेट है ये एक तरह का। ठीक है, अच्छा, इसमें बाउंड्री पॉइंट भी नहीं होगा क्योंकि ये बाउंडेड नहीं है। अच्छा, अब आप देखें क्या ये ओपन है, तो डेफिनेटली इट इज ओपन। क्यों ओपन है, इसलिए कि इस नॉट जो है वो आपका पूरा इसका इक्वल आ गया है। तो ये बहुत देर के बाद आपको फिर एक ओपन सेट मिल गया। ठीक है, क्लोज तो क्लोज ये नहीं है फिर से। क्यों क्लोज नहीं है, इसलिए कि जो आपका इस डैश आ गया है वो अब बड़ा आ गया है, तो इसलिए वो सबसेट नहीं है। ठीक है, लास्टली देख लेते हैं हम लोग, एक थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, इनफाइनाइट यूनियन ऑफ 1/2n + 1, 1/2n। ये इनफाइनाइट यूनियन है तो जाहिर सी बात है कि ये डिक्रीज करेगा, और जो कि इनफाइनाइट यूनियन है तो मैंने अभी आपको बताया है कि आर्बिट्रेरी यूनियन। ठीक है, तो आर्बिट्रेरी यूनियन जब आप कीजिएगा तो वो एक काफी बड़ा सेट हो सकता है। ओके, तो अगर हम लोग इसको देखें अच्छे से, तो इसका जो सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट है वो तो हमको क्या मिलेगा, पूरा मिल जाएगा, यू एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि ये देखिए एक तरह का ओपन इंटरवल है। ठीक है, और ओपन इंटरवल है तो ओपन इंटरवल क्या होता है आपका, उसका जो सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट होता है वो ओपन ही होता है। ठीक है, आपको ये पता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका तो सेम हो जाएगा। जब हम लोग इसका लिमिट पॉइंट का बात करेंगे तो वो हो जाएगा क्या, लिमिट पॉइंट देखिए इसका ये 0 पे जा करके कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, और इसका जो अपर लिमिट है वो है 1/2, तो 0 से लेकर 1/2 तक, और बाउंड्री वैल्यू भी इसलिए शामिल हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि लिमिट पॉइंट सेट का मेंबर हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा आप अच्छे से समझेंगे तो आपको ये देख करके समझ में आएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे इसका जो आइसोलेटेड पॉइंट्स है वो तो मिलने नहीं जा रहा है, तो ये 5 हो गया। ठीक है, अच्छा, जो हमारे पास बाउंड्री वैल्यू है तो बाउंड्री वैल्यू आपको इसका मिलेगा। ठीक है, और वो आपका वही, चूंकि 0 है और 1/2 है। ठीक है, तो एक तो आपका 0 मिलेगा इधर जो इसमें नहीं है एक्चुअली, तो 0 को नहीं लिखते हैं। ठीक है, 1/2 हमको दिख रहा है, 1/2 इसका बाउंड्री पॉइंट मिलेगा अगर बाउंड्री पॉइंट की बात करें तो। ठीक है, 0 की तरफ तो 0 इसमें शामिल नहीं है, हालांकि 0 इसका लिमिट पॉइंट है। ठीक है, अच्छा, अब है क्या कि क्या ये ओपन सेट है, तो आप देखिएगा तो डेफिनेटली ये ओपन सेट है। ठीक है, तो इसको हम लोग वो ग्रीन लाइन करेंगे कि हाँ ये ओपन है। ठीक है, तो अगर ये ओपन है तो क्यों ओपन है, इसलिए कि आपका एस नॉट और एस पूरा इक्वल है। अब है कि क्या ये क्लोज्ड है, तो ये क्लोज्ड फिर से नहीं है, इसलिए क्लोज नहीं है कि जो आपको सेट मिला है एस डैश वो क्या है, वो आपका ग्रेटर सेट है, एस डैश इज ग्रेटर, सो नॉट ए सबसेट ऑफ एस। इस तरीके से देखिए, आप जब आपका अच्छा हो जाएगा और आप जब आप पकड़ हो जाएगी आपकी इंटीजर पॉइंट पे, लिमिट पॉइंट पे, तो आप काफी फास्टली ये एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, कि कौन आपका ओपन है, कौन आपका क्लोज्ड है। ठीक है, और आपको कोई उसमें प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, एक बात याद रखिए जो, और एक मैं कुछ रिमार्क्स आपको दे देता हूँ, वो भी रिमार्क है, फिर वो छूट जाएगा। ठीक है, उसको भी दे देता हूँ। एक रिमार्क ये है कि कोई सेट अगर ओपन नहीं है, ठीक है, क्या ए सेट इज नॉट ओपन, अगर ये ओपन नहीं है तो आप इसको क्लोज नहीं बोल सकते। ठीक है, यहाँ से आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि यार अगर ओपन नहीं है तो भाई क्लोज होगा। ये हम लोगों ने देखा हुआ है कि कोई ऐसा सेट है जो ओपन भी नहीं है, क्लोज्ड भी नहीं है, तो ये आपको नहीं बोलना है। हाँ, अगर आपको किसी का कॉम्प्लीमेंट ओपन है किसी सेट का, तब आप उसको क्लोज्ड बोल सकते हैं, जो ये हम लोगों ने थ्योरम में देखा है। तो पहले तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, नंबर 2, जो
एवरी इंटीरियर पॉइंट होता है, इंटीरियर पॉइंट वो क्या होता है, वो आपका लिमिट पॉइंट भी होता है, याद रखिएगा ठीक है। कोई भी इंटीरियर पॉइंट एक लिमिट पॉइंट है, इसलिए कि जो आप डेफिनेशन देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, सेट का मेंबर होता है और उसका नेबरहुड उसमें कॉन्टेन करता है। तो लिमिट पॉइंट के लिए क्या है कि नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट आना चाहिए सेट का, तो जो इंटीरियर पॉइंट है वो डेफिनेटली क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, बट कन्वर्स नॉट ट्रू, यानी क्या, यानी अगर कोई लिमिट पॉइंट हो तो आप उसको उसका उसको आप इंटीरियर पॉइंट नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो इंटीरियर पॉइंट सारा लिमिट पॉइंट होता है लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है, ये आप यहां पे चेक भी कर सकते हैं। आप जितना भी इंटीरियर पॉइंट निकाले हैं ना, आप देखेंगे तो वो आपको जितना भी आप लिमिट पॉइंट निकाले हैं उसको आप देखेंगे तो आपको इंटीरियर में भी नजर आएगा। देखिए जैसे ये जितना भी आप इंटीरियर पॉइंट निकाले हैं, माफ कीजिएगा, वो लिमिट पॉइंट में नजर आएगा। जैसे ये इसमें नजर आ रहा है फाई, तो फाई एक एम्प्टी सेट है जो जीरो में भी होता है, ठीक है, जो कि जीरो एक सिंगलटन सेट है, तो फाई तो कहीं भी होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए आर बाई एन इसमें है, ये पूरा सेट इसमें है, ठीक है। तो जो भी इंटीरियर पॉइंट है वो लिमिट पॉइंट में जरूर पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन लिमिट पॉइंट आपका इंटीरियर में नहीं भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए ये बात को ध्यान रखना है। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया बात ये आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे ताकि कोई आपको कंफ्यूजन या कोई आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। ओके, तो आई होप कि मैंने सारी बातों को क्लियर कर दिया है, फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे को जब भी टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई दूंगा। अब मेरे वीडियोज को देखते रहिए, काफी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं और आपको काफी लाइफ में सपोर्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।